और दोस्तों क्या हाल आप सभी लोगों का। तो आज तुम्हारे भाई का सपना पूरा होने वाला है। तो गाइस यार मैं हमेशा से चाहता था कि मैं एक टीचर बनूं, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाऊं। तो गाइस यार आज वो दिन आ चुका है और गाइस यार मुझे इस जॉब की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है क्योंकि मेरे पास कोई भी जॉब नहीं है, इसलिए मैं इस जॉब के लिए आया हूं। आज मेरे को ये जॉब मिल जाएगी प्रिंसिपल साहब की दुआ से। तो चलो यार ये अपने प्रिंसिपल लाठी, गाइस देख रहे हो कितना बड़ा स्कूल है यार, मस्त एक नंबर का। हेलो प्रिंसिपल लाठी। हाँ तुम ही हो ना सुमित जो बोल रहे थे टीचर बनना है? हाँ सर मेरे को टीचर बनना है। हाँ तो हमारे पास एक वैकेंसी खाली है पीटीआई टीचर के लिए। पीटीआई टीचर के लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो एक नंबर का पीटीआई टीचर बनूंगा, खेल कूदने में बहुत आगे हूँ मैं। हाँ तो बस हमें पीटीआई टीचर की जरूरत थी। कितनी सैलरी रहेगी सर एक बार आप बता देते? सैलरी तुम्हारी रहेगी 25,000। वाओ 25,000 की नौकरी, बेटे सही है यार, पहले मैं 10,000 की करता था। हाँ तो बताओ करोगे तुम नौकरी या नहीं करोगे? हमारे पास पीटीआई की नौकरी है। हाँ सर बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल भाग दौड़ के करूंगा। हाँ तो कंग्रेचुलेशन हमारे स्कूल के पीटीआई टीचर, और हम चाहते हैं तुम हमारे स्कूल को एक नए लेवल पे लेके जाओ। हाँ सर बिल्कुल सर। ओके तो चलो गाइस यार चल के मिलते हैं। यार देखो ये रही हमारी टीचर। ओहो इंग्लिश वाली मैडम क्या हाल है? अरे तुम कौन हो? मैं असल में नया पीटीआई टीचर हूँ। अच्छा अच्छा तुम नए पीटीआई टीचर हो। हाँ इंग्लिश वाली मैडम अब तो अपनी जानकारी हो जाएगी, आप भी टीचर मैं भी टीचर। हाँ हाँ पर मुझे तुमसे जानकारी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्यों? अरे मैं काले लोगों से थोड़ी दूर रहती हूँ, एक्चुअली थोड़ी मेरे को प्रॉब्लम है। अब तो खुद को देख ले कलवी, कितनी काली है तू, मेरे को काला कैसे बोल रही, शर्म नहीं आई तेरे को बोलते हुए? अरे अंकल, अंकल नहीं मैं तुम्हारा टीचर हूँ। हाँ सर आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो? अरे तुम लोग ज्यादा बकलोली मत करो, एक काम करो क्लासेस का टाइम हो गया, मैडम जी आप इन बच्चों को अंदर लेके जाइए। हाँ सर आप एक काम कीजिए, आप बाकी बच्चों को भी बोल दीजिए। चलो बच्चों क्लासेस के अंदर जाओ, क्लासेस का टाइम हो चुका है, 9 बज चुके, जल्दी जाओ और फिर मैं आऊंगा चौथे पांचवे पीरियड में तुम लोगों को गेम्स खिलाने के लिए। अरे अंकल, अंकल नहीं सर। हाँ तो चलो गाइस यार चलते हैं, इन 2 बच्चों को भी बोलता हूँ। अरे ये भाई साहब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लग रहे हैं। हेलो। हाँ सर बोलिए। जाओ जाओ क्लास का टाइम होगा तुम्हारा। ओके तो चलो गाइस यार मैंने सभी बच्चों को अंदर भेज दिया और बॉडीगार्ड भी खड़ा हो चुका है यहाँ पर। एक सेकेंड, यहाँ पर एक बच्चा और रह रहा है यार, सब लोग अंदर जा चुके हैं, एक बच्चा यहाँ पर क्यों खड़ा है? अभी जाके बोलता हूँ इसको। ओए बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं तू, अंदर जा। एक सेकंड सिंचन। अरे समित भैया तुम, अब तू यहाँ क्या कर रहा है? समित भैया पहले बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ का पीटीआई टीचर हूँ। क्या तुम पीटीआई टीचर हो स्कूल में? हाँ। अरे अभी रुको तो मैं भी निकलवाता हूँ। तू निकलवाएगा मेरे को? तू कैसे निकलवा सकता है मेरे को? अरे समित भैया तुम्हें पता है नहीं है, इस स्कूल का हेड तो मैं ही हूँ। अच्छा झूठ मत बोल। रुको अभी तुम्हें बताता हूँ, तुम शायद मेरे को जानते नहीं हो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्कूल में आने की? अब तेरा स्कूल कहाँ से है? और मैं तेरे को बोलता हूँ अपनी क्लास में जा और जल्दी जाकर वहाँ पढ़, ठीक है ना? मैं यहाँ का पीटीआई टीचर हूँ, मैं तेरी पिटाई भी लगा सकता हूँ, बताऊँ तेरे को? अरे रुको यार तुम मेरे को हवाबाजी में ले रहे हो, एक सेकंड रुको अभी फोन मिलाता हूँ। ओए लाठी कहाँ पर है, जल्दी से आ यहाँ पर, ये किस बड़वे को ज्वाइन करवा दिया स्कूल? मैंने बोला तो कोई अच्छा आदमी होना चाहिए पीटीआई टीचर, ये किसको लेके आ गया तू? जल्दी जल्दी आ इधर, तेरे को मैं बताता हूँ पागल कहीं के, जल्दी आ। हाँ समित भैया 2 मिनट को अभी आता होगा प्रिंसिपल यहीं पर ही। अरे क्या हो गया सर, बताइए सर क्या हो गया? सिंचन सर ऐसा क्या हो गया? अरे ये तो सही में सर बोल रहे हैं। अरे हाँ क्या हो गया, क्या हो गया सुमित? अरे कुछ नहीं सर। हाँ बोलिए सर क्यों बुलाया आपने? अरे मैं ये चाहता हूँ इस आदमी को तुमने पीटीआई टीचर कैसे बना दिया, वो भी बिना मुझसे पूछे। अरे सर आपने बोला था ना एक टीचर चाहिए। अरे तो इसको नहीं चाहिए, निकालो इसको। हाँ तो तुमने सुनी लिया होगा ना, हमारे सर ने बोला हम तुम्हें नहीं रखेंगे पीटीआई टीचर। अरे सर आपने अभी तो बोला था आप मेरे को पीटीआई टीचर रखेंगे, 20,000 रुपए भी देंगे। अरे अब बोल दिया ना मैंने, यहाँ पर ये आदमी टीचर नहीं लग सकता, किसी और टीचर को लगाओ, पर इसको यहाँ से भगाओ, मैं इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता, इतना बेकार। ठीक है सर जैसा आप कह रहे हो वैसा ही होगा, हम इसको निकाल देंगे, हम कोई दूसरा पीटीआई टीचर लेके आएंगे। हाँ और आगे से स्कूल के आसपास दिखे तो इसकी पिटाई लगवा देना अच्छी वाली। हाँ तो तुमने सुनी लिया होगा सुमित, अब तुम जा सकते हो। अरे सर ऐसे मत कीजिए, आज मेरा पहला दिन और पहले दिन में आप मुझे फायर कर रहे हैं। अरे बस हमारे सर को पसंद नहीं है कि आप स्कूल में काम करें, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप यहाँ से चले जाइए आराम से। ओके ठीक है मैं जाता हूँ, वैसे मैं कर भी क्या कर सकता हूँ, मेरा स्कूल थोड़ी है कोई। अरे जाओ निकलो यार, आदमी कैसे घटिया आदमी, खड़े खड़े सुन रहे, शर्म ही नहीं आती बिल्कुल भी। हाँ जा रहा हूँ, ज्यादा मत बोल सिंचन के बच्चे। अरे समेत भैया तुम जानते नहीं हो मेरे बारे में, मैं बड़ा एंडी आदमी हूँ, देख लूंगा मैं तेरे को एक दिन। अरे अब जाओगे या नहीं जाओगे, मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? हाँ मत बुलाओ सिक्योरिटी को, और वापस मत आना स्कूल में बिल्कुल भी, ठीक है ना? कोई टीचर वीचर नहीं रखेंगे हम तुम्हें यहाँ पर, भिखारी कहीं के। गाइस यार मेरे को इतनी अच्छी नौकरी मिली थी, 25,000 रुपए की टीचर बन गया था तुम्हारा भाई, पर यहाँ पर सिंचन के बच्चे ने मेरे को नौकरी से निकलवा दिया यार, इसकी ऐसी तैसी अब मैं क्या करूँ यार, समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो करना पड़ेगा, मेरे पास नौकरी नहीं है यार करने के लिए।
तो गाइस यार स्कूल से तो मैं काफी दूर आ चुका हूँ, पर यार मेरे को कोई ना कोई दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। 10,000 वाली नौकरी तो तुम्हारा भाई नहीं करेगा यार। 10,000 में क्या होता है, आजकल रेंट भी नहीं दे पाता यार मेरा रूम का। एक सेकंड, वहां पर भीड़ लग रही है, ऐसा क्यों लगता है यार कोई फॉर्मेलिटी कुछ निकल रही होगी? वैकेंसी होती है, फॉर्मेलिटी बोल रहा हूँ मैं भी, वैकेंसी निकल रही शायद। क्या पता यार वहां पर तुम्हारा भाई भी भर्ती होकर थोड़े बहुत पैसे कमा ले। ओके तो गाइस यार लाइन लग रही है, यहाँ पर खड़े होकर देखते हैं यहाँ पर आके चल क्या रहा है। काफी सारे लोग हैं लाइन के अंदर, लड़कियां भी है। चलो अरे तुम लोगों का स्वागत है। तो मैडम जी मैंने आपको जैसे बताया इसके अंदर जान का भी खतरा है। अरे कोई बात नहीं, आप मेरा नाम लिखिए। हाँ तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुम ये रैंप चैलेंज जीत जाती हो तो समझो तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी, पर अगर तुम यहाँ पर हार जाती है तो हारने का मतलब सिर्फ मौत होगा यहाँ पर। और ये डॉक्यूमेंट्स इसी चीज का प्रूफ है, तुम यहाँ पर एक बार साइन कर दोगी ना, अगर तुम मरो या जियो वो हमारे हाथ में नहीं है, पुलिस हमें कुछ नहीं बोलेगी। हाँ सर बिल्कुल सर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसके ऊपर साइन कर दूंगी और रैंप चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट भी करूंगी। हाँ तो मैडम जी ठीक है, अब जाइए आप। अरे मेरे को भी लेना है पार्टिसिपेट। अरे भैया आपको बता दूं एक चीज, अगर तुम यहाँ पर हारे तो मरोगे डायरेक्ट। अरे नहीं नहीं मेरे को मरना नहीं है यार, मेरे को भी बहुत लाइफ जीनी है। हाँ तो वो मैंने पहले ही बताया, इतनी देर से फिर तुम लाइन में क्यों खड़े हो जब तुम्हें पार्टिसिपेट ही नहीं करना था? अजीब पागल आदमी हो यार, पार्टिसिपेट वही कर सकता है जो जान से ना डरे, समझ में आया तुम्हें? ओ भाई मित्र क्या चल रहा है यहाँ पर? अरे इतनी देर से रामायण गा रहा था और तू पूछ रहा सीता कौन है? अरे यार ऐसे मत करो यार प्लीज, सीता जी को ऐसे मत बोलो। मैं सीता जी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ तो एक मुहावरा बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलो अब। हाँ तो तुम्हें अगर रैंप चैलेंज में पार्टिसिपेट करना है तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। उस रैंप चैलेंज में मिलेगा क्या ये समझ लो, उस रैंप चैलेंज में जीतने वाले को इतना मिलेगा कि उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी, बोले तो करोड़पति बन जाओगे। सच्ची मुच्ची? ओके पर जान का खतरा है इसके अंदर। हाँ जान का खतरा है और हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई केस बने, इसलिए तुम इन पेपर्स के ऊपर साइन कर दो, अगर तुम मर भी जाते तो हमारी गारंटी नहीं होगी। ओके तो गाइस यार मेरे हिसाब से ये मेरे पास एक गोल्डन चांस है अपनी लाइफ को चेंज करने का। जैसा कि यार ये आदमी बोल रहा है मेरी लाइफ चेंज हो सकती है इस रैम चैलेंज से, तो मैं पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है मैं साइन कर दिया। चलो भाई साहब वेट करते हैं और उसके बाद ये रैम चैलेंज देखते हैं कितना खतरनाक होने वाला है। लेट्स गो गाइस, मजा आने वाला आज तो वीडियो। अरे अरे क्या कपड़े पहन रखे हैं, पर ये अलाउड नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए तुम नीचे गिर जाओ क्योंकि यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे वीडियोस देखते हैं। अरे तुमने तो बुलाया थे मेरे को, बोला कि चीयर लीडर चाहिए। अरे चीयर लीडर चाहिए पर ऐसे कपड़ों में नहीं चाहिए था, अच्छे कपड़े पहन के आती ना। अरे सॉरी। चलो यहाँ से भागो, बेकार कहीं के कपड़े पहरे, ये क्या इसके चक्कर में तो मैं भी नीचे गिर गया। कोई बात नहीं, ठंडा ठंडा पानी। खुद भी गिर गई, मुझे भी गिर दिया। हाँ, चलो चलो ऊपर चलो वापिस से, बहुत तेज गिरा यार, लगता मैं ऊपर चलता हूँ वापिस जल्दी से। हाँ तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज के खतरनाक वाले रैंप चैलेंज में। अरे जीतूंगी तो मैं ही। अरे इतनी पैनी आवाज है मेरे कान में से पार गई, लगता है मेरे कान में से खून निकलने वाला है। अरे ऐसे कैसे बोल रहा है तू? अरे यार क्या कचरा लेडी है, और यहाँ पर तुम्हारा नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम सुमित है, मैंने जो आपसे लास्ट में बात करी थी। हाँ तुम्हें पता है ना मौत का खेल है? हाँ पता है मौत का खेल है, और लाइफ भी चेंज होगी ये भी पता है। हाँ तो तैयार हो जाओ फिर आखिर में तुम। मैं जीतूंगा, मेरे को पीएसए चाहिए पीएसए। अरे अंकल आप यहाँ क्या कर रहे, बूढ़े हो के यहाँ पर? अरे मेरे को पीएसए चाहिए इसलिए हूँ यहाँ पर। हाँ तो अंकल एक काम कीजिए, सबसे पहले आप ही जाइए। अरे बेटे आज तो मैं जीतूंगा, ये अखबार में ये रैंप चैलेंज जीतता हूँ, उसके बाद में मेरे घर में 50 नौकरानी रखूंगा। नौकर भी तो रख सकते हो अंकल जी। अरे नौकर नहीं रखने, नौकरानी रखनी है मेरे को। अरे लड्डा की हुआ रास्ते में अंकल जी आपको पता है। अरे ये क्या रे पीछे ले बच गया बुआर बुआर। गाइस यार बुड्ढा है तो कमाल का सही में, वो बुड्ढा होगा तेरा बाप। अंकल जी आप भी तो बुड्ढे हो। अरे बुड्ढा नहीं हूँ मैं, सिर्फ 60 साल का हूँ। अरे 60 साल का बुड्ढा ही होता है अंकल जी। अरे 60 साल का बुड्ढा नहीं होता रे पागल, अभी नहीं हुआ मैं बूढ़ा, बूढ़ा होने मेरे को अभी 40 साल है। 100 साल का आदमी बुड्ढा होता है। और क्या बेटे 100 साल का आदमी होता है बुड्ढा? गाइस यार इसको बताओ कोई यार कि 60 साल का आदमी बुड्ढा ही होता है। अरे तू होगा बुड्ढा और तेरा बाप होगा बुड्ढा, मेरे को बुड्ढा बोलेगा तो थप्पड़ मारूंगा, आई बात समझ में? हाँ ठीक है अंकल जी, ज्यादा मत बोलो बहुत हो गया है। हाँ तो चुपचाप बैठा रहे ना, किसने बोला मुझसे बात कर तू? गाइस यार ये तो सही में दिमाग खराब कर रहे हैं। और गाइस यार जैसा कि वो आदमी बोल रहा था कि जो रैंप चैलेंज करवा रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पर जीतते हैं तो लाइफ चेंज हो जाएगी, अगर गाइस यार कोई और जीत गया तो उसकी लाइफ चेंज होगी ना फिर? अरे जीतूंगा तो मैं, क्योंकि नौकरानी चाहिए मेरे को। हाँ हाँ ठीक है अंकल जी। अरे ये ठाके आके से निकाली बिल्कुल परफेक्शन, ये देख गाइस यार ये तो काफी अच्छी बाइक चला रहा है यार, इसकी टांगों में इतना दम कहाँ से आ रहा है कि बाइक को कंट्रोल कर पा रहा है इतना बूढ़ा होने के बाद भी? और मैंने क्या बोला, मैं बूढ़ा हूँ ही नहीं, तो बूढ़े के अंदर दम तो होगा ही ना। अभी तो आपने बोला बूढ़ा नहीं हो और अभी बोलो बूढ़े के अंदर दम होगा ना, क्या आदमी हो यार, तुमने कोई चरस वरस फूक रखा है क्या? वह मेरे को नशेड़ी मत बोल, थप्पड़ मार दूंगा। गाइस यार इसको कोई नीचे गिराओ क्योंकि मेरा दिमाग चाट चुका है आधा।
अरे ये देख, अरे गाइस ये क्या बुड्ढा नीचे बैठे, थरकी बुड्ढा कहीं का, लड़कियां दिखती नीचे गिर गया। अबे वो इसलिए गिरा था? और क्या, इसलिए वो नीचे गिरा था, मैं तो लड़की हूँ, मैं तो जरूर जीतूंगी। गाइस यार इसकी आवाज बहुत पैनी है और बच गई है बार बार, अभी यहीं पर डिस्क्वालीफाई होगी। एक कोना रह गया वरना नीचे जाती तू डायरेक्ट, ठीक है ना, अभी तेरी हवाबाजी निकल जाती। अरे ये क्या, मैं इतनी जल्दी डिस्क्वालीफाई हो गई, लगता है मेरे कर्म में खोट है। अरे यहाँ पर वो लड़की सही है चली गई, मैं उसकी आवाज भी नहीं सुन पाता, कितनी तेज पैनी आवाज में बोलती। अब तुम्हारी बारी है मेरे दोस्त। ओके तो गाइस यार यहाँ पर वो बुड्ढा भी डिस्क्वालीफाई हो गया, वो लड़की भी डिस्क्वालीफाई हो गई, अबे तुम्हारे भाई की बारी। पर यार वहाँ पर तो बहुत सारे लोग आए थे फॉर्म फिलअप करने के लिए, कहाँ चले गए वो? अरे यार मैं एक बार में सभी लोगों से थोड़ी करवाऊंगा रैंप चैलेंज फिर। अरे तुमसे पहले एक घंटे पहले रैंप चैलेंज हो चुका है। अच्छा उसके अंदर जीता कोई? कोई भी नहीं जीता, सब लोग मर गए। ओ भाई साहब, मतलब तुम कब से करा रहे हो रैंप चैलेंज? ये रैंप चैलेंज लगभग 2.5 साल से चल रहा है। और अरे 2.5 साल में कम से कम इसके अंदर 800-900 आदमी मर चुके हैं। क्या 800-900 आदमी मर चुके हैं? हाँ, पर कोई फर्क नहीं पड़ता उनके मरने से, क्यों? वो सभी के सभी लोग ऐसे थे जो अपने घर वालों से परेशान आ चुके हैं, या उनके घर वाले उन्हें भूल चुके हैं, या यार दोस्त भी उन्हें भूल चुके हैं, क्योंकि उनके पास इतना ज्यादा कर्जा था। लाइक स्क्विड गेम? हाँ स्क्विड गेम भी बोल सकते हो, ये एक तरीके का स्क्विड गेम ही है। जो जीतेगा वो पैसा कमाएगा, जो हारेगा वो मौत से जाएगा। ओ भाई साहब तू इतना आसानी से कैसे बोल पा रहा है, मेरे को ये भी समझ नहीं आ रहा यार। अरे बस कुछ नहीं, पैसा है पैसा सब कुछ, पैसे के आगे कोई नहीं है। हाँ बात तो तेरी सही है। ओके तो गाइस यार मेरे को ऐसा लगता है मैं काफी ज्यादा जल्दी यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, बूढ़ा तो काफी देर में पहुँचा था यहाँ पर। अरे तुम वैसे बता रहा हूँ, तुम उन 10% लोगों में जो अभी तक इतनी आगे पहुँचे हैं। 10% मतलब 800 में से 10% लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं ऑलरेडी। हाँ पहुँच चुके हैं। ओके तो गाइस यार अभी तुम्हारा भाई 10% लोगों में आया है, मेरे को असल में वो 1% में आना है। 1% नहीं, मैं अकेला वो लोत आदमी बनूंगा जो शायद यहाँ से जीत के जाएगा। अरे यार तुम्हारे अंदर तो बहुत ज्यादा दिमाग है, तुमने गोलियों से सारी की सारी बॉल्स फोड़ दी, आज तक कोई किसी ने भी इतना दिमाग नहीं लगाया। अब दिमाग होना चाहिए ना, मैं सभी चीजों को आराम से हटा सकता हूँ गोलियां मार के, तो खुद का भाई इतना रिस्क क्यों लेना मेरे को। ओए बच गया भाई, अबे ये तो चीटिंग ही थी वहां पर, उसको तोड़ने एक तरीके से मतलब जंप करना बहुत हार्ड था, वो तो बस मैं कूद गया, वो तो बस तुम्हारा भाई ओपी है। अरे हाँ वहाँ पर 90% लोग हार चुके, तो फिलहाल तुम आ चुकी हो 5% लोगों में। ओके भाई साहब। अरे अरे ये तो अगर जीत गया तो समझो पैसे गए सारे। हाँ हाँ पैसे तो तेरे जाने वाले, क्योंकि ओपी भाई जो आया है। गाइस यार आप लोग क्या कर रहे हो, जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो, मैं आप लोगों को 10 सेकंड्स देता हूँ। अगर आप लोग 10 सेकंड्स के अंदर वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दोगे सुपर विन, तो तुम्हारा भाई यहाँ पर जरूर जीतेगा। और तुम लोग भी चाहते हो ना मैं सिंचैन से बदला लूँ, जो उसने सुबह मेरे साथ किया, मेरे को स्कूल में से निकलवा दिया धक्के मरवा के, उससे बदला लेना चाहते हो आप लोग भी तुम्हारे भाई का, तो वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। 10 सेकंड्स आपके पास। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मेरे हिसाब से आप सभी लोगों ने वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा और आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर लिख भी दिया होगा सुपर विन, तो हम लोग अब जरूर जीतेंगे क्योंकि आप लोग मेरे साथ जो हो। ओ भाई साहब पर ये रैंप चैलेंज को ज्यादा बड़ा नहीं है क्या यार, कब से चल रहा हूं मैं भाई यार सही में। अरे आधे से ज्यादा लोगों की तो बाइक में तेल ही खत्म हो जाता है, लगता है तुम्हारी तेल बहुत ज्यादा है बाइक में। अरे भाई मैं पागल थोड़ी हूँ, तेल वेल जैसी चीज तो मैंने पहले चेक कर ली थी, कितना बाइक के अंदर फुल टंकी करवा ली है मैंने, ठीक है ना, तेरे ऊपर थोड़ी बैठा था मैं कोई। अरे यार लगता है आज ही आदमी यहाँ से जीत के ही जाएगा, 100% जीत के जाने वाला हूँ मैं यहाँ से भाई। यार कमाल का रैंप चैलेंज है सही में, पर मजा भी मेरे को बहुत ज्यादा आ रहा है क्योंकि इतने हार्ड रैंप चैलेंजेस मेरे को कभी कभी मिलते करने के लिए। और इतनी बड़ी बड़ी ट्यूब्स कहाँ से बनवाई तुमने ये तो बता मेरे को। अरे ये हमारी एक बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट चलता है जो हमारे लिए इतने बड़े बड़े रैंप चैलेंज बनवा के देती है। ओ भाई साहब ये देख रहे हो, ओए इतने सारे टायर्स, मेरे को फुल स्पीड में जाना पड़ेगा, 190-200। और ये लगाई हमने जंप, वो पहुंच तो जाऊंगा ना, और हम लोग पहुंच गए। अबे कितनी बड़ी बड़ी बोल से, सबको साइड में करते टडाक 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 टडाक, सबको साइड में करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं ऊपर। ओ शिट यार थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन हो गई वरना मैं सीधा पार जाता इस व्हील में से भी। ओ भाई साहब और भी आगे सामने, चलो 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 चलो, अरे 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 एक और आ गया, बच गया थोड़ा सा, इस साइड से निकलो, ये भी हो गया बिल्कुल नाइस। अबे कितना बड़ा रैंप चैलेंज और बच रहा है, मेरे को अभी तक तो फिनिश लाइन भी नहीं दिख रही है। अबे थोड़ा सा, कब से हूं मैं इस रैंप चैलेंज के अंदर। ओए यहाँ पर हेलीकॉप्टर उड़ाना पड़ेगा। और क्या तुम्हें क्या लगता है इतना बड़ा रैंप चैलेंज सिर्फ एक ही चीज से कंप्लीट कर लोगे तुम? ओके हाँ बात तो तेरी सही है, और यहाँ पर मैं सबसे छोटा वाला हेलीकॉप्टर यूज करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि जितना ज्यादा हेलीकॉप्टर बड़ा यूज करूंगा वो उतनी ज्यादा जगह घेरेगा और जल्दी भिड़ने के चांसेस होंगे, इसलिए हम लोग ये वाला हेलीकॉप्टर यूज करेंगे। और देख रहे हो भाई इतने बड़े बड़े ये टायर्स हैं यहाँ पर, पता नहीं क्या है, पर मेरा हेलीकॉप्टर इतना ज्यादा छोटा है कि यार आसानी से हम लोगों ने बीच में से निकाल लिया। ऐसी तैसी, वही क्या हो गया, ये हेलीकॉप्टर फंस गया, शिट।
अबे भाई और कोई व्हीकल नहीं है क्या? अब क्या करूं मैं, समझ नहीं आ रहा मेरे को। तो गाइस यार यहाँ पर मैं एक गाड़ी मिल गई थी, पीछे खड़ी थी, ले आया वहां से जाके। कोई बात नहीं। ओ भाई ये तो काफी ज्यादा हार्ड होता जा रहा है सेमी, और ये बिल्कुल टाइमिंग का खेल और हमने निकाल ली। ओ भाई साहब ये अब मेरे को फुल स्पीड में शायद जंप लगानी यहाँ से। 190 180 170 150, अबे स्लो होती जा रही है गाड़ी तेरी ऐसी तैसी। वो रही फिनिश लाइन, फाइनली मुझे फिनिश लाइन दिख गई, तो मतलब मुझे फुल स्पीड में जाना है। और ये हम लोग चले 190 के ऊपर, हम लगाइए जंप, क्या मैं वहां पर पहुंच पाऊंगा? ओए हवा में उड़ रही है गाड़ी, और ये पहुंच गए। ओ भाई सब बच गया, अगर ये सामने सोना नहीं रखा होता तो मैं सीधा नीचे ही जाता यार। एक सेकंड, सोना? ओ माय गॉड, यहां पर देखो भाई, ये कम से कम होगा 1000-2000 किलो का सोना तो होगा भाई। 10 ग्राम सोने का प्राइस है 80,000। अरे अरे बहुत करोड़ों का पैसा, मैंने जैसा कि बोला तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी इतना पैसा है ये। वैसे मानना पड़ेगा यार, तुम वो पहले आदमी जो आज का ये रैम चैलेंज जीत पाया है। अरे शुक्रिया भाई शुक्रिया। अरे यार मजा ही आ गया सैमी, मैं चाहता हूँ तुम कभी अगली बार भी आने इस रैम चैलेंज को करने। पागल है क्या, मेरी तो लाइफ चेंज हो गई ना अब। हाँ तो ठीक है, तुम्हारा सोना है ये और जो तुम्हें करना है करना, ठीक है। ओके तो गाइस यार अब हम लोग चलते, मेरे घर पहुंचवा दियो। तो गाइस यार अभी तो मेरे को बदला लेना है सिंचैन से। देखो रे भाई कितना बड़ा रैम चैलेंज था भाई। अभी हम लोग चलते हैं जल्दी से, एक गाड़ी खरीदूंगा बिल्कुल महंगी वाली, और मेरे को एक चीज और खरीदनी है। तुम लोग शायद समझ गए मेरे को एक गाड़ी की जगह और क्या क्या खरीदना है। अभी रुको, बस किसी की अकड़ निकाल ली है मेरे को, जो वो घमंडी हो रहा था ना उसकी अकड़ निकालनी है मेरे को। पहले जल्दी से पहुंचते हम लोग। ये देखो भाई सब, तुम्हारे भाई की ब्रांड न्यू कार GTR है ना कमाल की, और देखो यार पीछे कठपुतली सी नाच रही है भाई, बहुत महंगी गाड़ी है ये। अभी हम लोग जा रहे हैं वापस स्कूल के अंदर, और इस बार तुम्हारा भाई स्कूल में काम कर रहे हैं ना, स्कूल को खरीदने जा रहा है ब्रो। तो गाइस यार हम लोग आज के यहाँ पर स्कूल को खरीदने के लिए। अरे वाह क्या गाड़ी है, क्या कमाल की गाड़ी है, तो सही भी। हाँ सिंचैन क्या हाल है? अरे ये फिर कौन आ गया? अरे सुमित बेतम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ पर तेरे को पढ़ाने आया हूँ। क्या समझ भाई तुम मेरे टीचर बनोगे? ये मेरा स्कूल है। किसने बोला तेरा स्कूल है? मैं ऑलरेडी स्कूल को खरीद चुका हूँ, और ये तेरा स्कूल कभी था नहीं, ठीक है? वो प्रिंसिपल आज से तुम मेरे नीचे काम करेगा, ठीक है? यहाँ का हेड आज से मैं हूँ। अरे ये क्या बकवास है? हाँ सर आप जैसा बोलेंगे वैसे ही होगा। आप बोलिए सर अब क्या करना है? मैं चाहता हूँ इस छोटे इस बच्चे को उठा के क्लास में फेंक के आओ, ठीक है? और इसकी इतनी पिटाई लगाना अगर ये फेल होए या फिर इसके मार्क्स कम आए। हाँ सर जैसा आप बोल रहे हो, अगर इसके मार्क्स कम आते हैं तो हम इसकी पिटाई लगवाएंगे। अरे ये कैसे हो सकता है, मैं तो हेड था ना। अरे सर अब आप कोई हेड वेड नहीं है। हेड इसको सर क्यों बोल रहे हो? सिंचैन बोल छोटा बच्चा। अरे ये क्या बकवास है, मेरे साथ स्कैम हो गया। स्कैम तो होगा ही ना यार, तूने मेरी कितनी बेइज्जती की है, पता है कितनी बेइज्जती की है तूने मेरी? अरे सुमित बे यार माफ कर दे यार, मुझसे बड़ी बड़ी गलती हो गई। अबे सुबह याद रखना था तेरे को कि मैं तेरा भाई हूँ, और तुझसे गलती हो गई है। हाँ सर बताइए सर क्या करना है? मैंने क्या बोला, इसको उठाओ यहाँ से फेंको क्लास में डालो, और मैथ्स में इसका अगर 90 से कम नंबर आए ना तो इसकी ऐसी पिटाई लगाइयो, ऐसी पिटाई लगाइयो, मुझे बुला लियो मैं पीट लूंगा। ये ले ये क्या, सॉरी सर मारो मत सर। हाँ अब आ गया ना सर के ऊपर। अरे सुमित भैया माफ कर दो। हाँ तो सर बताइए सर। अरे यार मेरा मन कर रहा है टकले और बजा दूं 2-3, पर ठीक है यार चल जाता क्लास में जाता हूँ। अरे सुमित भैया माफ कर दो यार, गलती हो गई बहुत बड़ी। और भैया भैया क्या कर रहा है, मैं तेरा सर हूँ ठीक है ना? अरे मतलब सुमित सर प्लीज मान जाइए, सर यार प्लीज मान जाइए, यार नहीं हूँ मैं तेरा। अबे यार मेरे को बात ही नहीं करनी चाहिए इससे, मैं चलता हूँ यहाँ से, ठीक है? इसको क्लास में फेंक देना। अरे सुमित भैया कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मेरा थोड़ी कोई मूड है, मेरे को यहाँ बच्चे पढ़ाने थोड़ी आए हूँ, मेरे को नींद आ रही थी, खतरनाक हुआ है चेक। तो गाइस आज चल बस नहीं आए, आपको आज वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो मेरे को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार भूले बैठ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे कोई नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ, जब तक लिए राम राम जी।